मुझे लगता है कि जो भी संचित ऊर्जा बची है आप सबके अंदर, तो उसके एक अंश का, क्योंकि यहाँ से भी घर तक जाना है और माँ के हाथ का निवाला जब मिलेगा तब फिर दूसरी ऊर्जा आएगी, या घर के जो भी आपके संरक्षक हैं, तो फिलहाल जो बची हुई ऊर्जा है उसको एक जगह पे निवेशित करिएगा, एकाग्र रहिए। दो चार शेर ऐसे सुनाते हैं जैसे कुलदीप ने कहा था, वैसे ही है। बड़ी, वो कहते हैं ना कि बड़ी मुफलिसी में ज़िंदगी जी जा रही है लिखने के मामले में इस समय, तो बड़ी 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 स्थिति ख़राब है। एक तरन्नुम बड़ी पसंद है, मैं तरन्नुम में दो लोगों को बहुत पसंद करता हूँ सुनने के लिए, जो क्लासिकल हमारे लिटरेचर वाले रहे हैं। पढ़ना मुझे पहले भी पसंद था, आज भी पसंद है, बोलना पहले भी कम अच्छा लगता था, आज भी अच्छा कम ही लगता है बोलना। तो फिलहाल ये है कि अपनी अजियतें हैं बशीर साहब और जो सबसे बड़े उस्ताद हैं मुझे लगता है तरन्नुम के, अपने बाराबंकी साहब, खुमार साहब। नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, एक तरन्नुम ऐसे ही किसी उस्ताद से लिया हुआ तरन्नुम है, शब्द मेरे हैं, गीत है, उसको गा के सुनाते हैं। गला ठीक ठाक ही है, जैसे रहता है उसी तरीके से है, उसको सुनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि डिजिटल हो चुकी इस दुनिया में पेपर की उपयोगिता और प्रासंगिकता को जीवित करने के लिए शायरी आपको बहुत खास तरीके से, मेरा धन्यवाद, ये बहुत बड़ी मिल्कियत है। ये आखिरी पीढ़ी है जो किताबों को सीने पर रख के सोती है, ये आखिरी पीढ़ी है जिसने पन्ने को पलटने के पीछे इसकी खुशबू को महसूस किया है। तो इसलिए हमारे हिस्से की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं या हमारे पीछे वाले लोग आएं, तो हम एक थाती उनको ट्रांसफर करें, कहते हैं ना पावर ऑफ अटर्नी जो होती है, तो जिस दिन हम अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को हस्तांतरित करें तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसमें भाषा और हमारी भावनाएं दोनों एक दूसरे के साथ समायोजित होनी चाहिए। इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी शुरुआत करता हूं, अपनी लिखी हुई एक तरन्नुम में दो तीन शेर सुनाता हूं, आप लोग अपनी अपनी अजियतों को एक तरफ रख के जल्दी जाने की, और मेरी ये सुनिएगा कि ये गजल नहीं है ये जिक्र है, ये गजल नहीं है ये जिक्र है, किसी गम ज़दा ख्याल का, ये गजल नहीं है ये जिक्र है, किसी गम ज़दा ख्याल का, बड़ा मुख्तसर सा था गम मेरा, मगर गम भी था वो कमाल का, बहुत मुख्तसर था ये गम मेरा, मगर गम भी था ये कमाल का, ये गजल नहीं है ये जिक्र है। शेर सुनिएगा कि मेरी कोशिशें हैं ये कह रही, तू गले लगा ले जिंदगी, मेरी कोशिशें हैं ये कह रही, तू गले लगा ले जिंदगी, मैं सफ़र का ही हूँ असीर कुछ, मैं सफ़र का हूँ असीर कुछ, न ख्याल खुद के हाल का, ये गज़ल, बहुत शुक्रिया, ये गज़ल नहीं है ये जिक्र है, किसी गम ज़दा ख्याल का। शेर सुनिएगा कि ये जो जरान दिखा है गम मेरा, न लिखा गया न पढ़ा गया, जरान दिखा है ये गम मेरा, न लिखा गया न पढ़ा गया, उस अनदिखे में ही छुपा, उस अनदिखे में ही छुपा है जवाब हर सवाल का, उस अनदिखे में ही छुपा है जवाब हर सवाल का, ये गजल नहीं है जिक्र है। शेर है कुलदीप कि ये करम, जब किसी के हिस्से में सहूलियत पढ़ी जाती है, किसी को सहूलियत भेजी जाती है, शब्द से भेज रहे हैं कि अपने स्पर्श से भेज रहे हैं, जो भी भाषा प्रयोग कर रहे हैं आप, वो सहूलियतें जो होती हैं उसी सहूलियतें में, ये कहता है ना कि आदमी
ना तो खुद का बुरा सोच रहा है ना सामने वाले का सोच रहा है। ये गज़ल नहीं है जिक्र मेरा, ये ख्याल है कमाल का। तो ये करम मता करो खुदा मेरी तुमसे इतनी इल्तिजा, ये करम अता करो खुदा मेरी तुमसे इतनी सी इल्तिजा, उसे रंजो गम न हो कभी, उसे रंजो गम न हो कभी मेरे प्यार के मलाल का। ये गज़ल, बहुत शुक्रिया। ये गज़ल नहीं है ये जिक्र है किसी गम ज़दा ख्याल का। ये गज़ल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक दो तीन शेर ऐसे छोटे छोटे सुना के फिर मैं त्रिनेत्र के लिए खाली करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। और बिल्कुल हाँ, बहुत बहुत बढ़िया था त्रिनेत। एक और होता है कि शायर, हम शायरी नहीं कर रहे होते तो क्या होते हैं, दो तीन शेर इसके सुनिए फिर आप आइए। आपके लिए तो भूमिका भी नहीं बांधनी है, बहुत बड़ी भूमिका बांधी हुई पहले से, सब लोगों ने अपने अपने हिस्से की बांधी हुई है। बिल्कुल। तो मैं जो शायर नहीं होता तो भला क्या होता, मैं जो शायर नहीं होता तो भला क्या होता, मैं किसी दश्त में पानी का कतरा होता। मैं जो शायर नहीं होता तो भला क्या होता, मैं किसी दश्त में पानी का कतरा होता। तुझे हर रोज न सुनाता यूं मैं ताज़ा गज़लें, तुझे हर रोज न सुनाता मैं यूं ताज़ा गज़लें, तू भी मकते में न यूं हर्फ बन ढला होता, तू भी मकते में न यूं बन हर्फ ढला होता। एक शेर सुनिएगा तहजीब की, सियाह रात में सुबह की तिश्नगी बनकर, सियाह रात में सुबह की तिश्नगी बनकर शाम की शाख में जुगनू सजल रहा होता, शाम की शाख में जुगनू सजल रहा होता। और बारहा फिर न ये गुफ्तगू हो रही होती, बारहा बिस्मिल भाई, बारहा फिर न ये गुफ्तगू हो रही होती, बारहा मैं भी न फूट के यूं रोया होता, बारहा बारहा फिर न ये गुफ्तगू हो रही होती, बारहा मैं भी न फूट के यूं रोया होता। तो मेरा दिल भी न यूं मचलता अगर तू, मेरा दिल भी न यूं मचलता अगर तू दश्त की वीरानगी में मुझको मिला होता, दश्त की वीरानगी में मुझको मिला होता। अपनी तबीयत भी न यूं रवा रहती घर, अपनी तबीयत भी ना यूं रवा रहती गर किसी कतरे की तलब में जो अड़ गया होता, मैं किसी कतरे की तलब में जो अड़ गया होता। और आखिरी शेर मेरी उपस्थिति की, शायरी शायरी है अजीज हमको सर बसर अनुराग, शायरी है अजीज हमको सर बसर अनुराग, वगरना मैं भी किसी तख्त का खुदा होता, वगरना वगरना मैं भी किसी तख्त का खुदा होता। और ये आखिरी शेर त्रिनेत्र तुम्हारे लिए शेर है, तुम्हारी मेहनत के नाम ये शेर है, वगरना मैं भी किसी तख्त का खुदा होता और दिल की फहरिस्त में गर तू न होता शामिल, दिल की फहरिस्त में अगर तू न होता शामिल, दिल की फहरिस्त में अगर तू न होता शामिल तो मैं भी किसी, दिल की फहरिस्त में अगर तू न होता शामिल तो मैं भी न खुद के गुनाहों का देवता होता, तो मैं भी न खुद के गुनाहों का देवता होता। मैं अगर शेर नहीं कह रहा होता तो भला क्या होता, मैं किसी दस्त में पानी का कतरा होता। बहुत शुक्रिया।